अगस्त शुरू होते ही प्रदर्शक व्यस्त महीने की तैयारी कर रहे थे। आमिर खान द्वारा लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार द्वारा रक्षाबंधन दोनों को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद थी। अफसोस की बात है कि कोई भी फिल्म दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाए। प्रदर्शनी उद्योग को उम्मीद थी क्योंकि विजय देवकोंडा की लाइगा को एक हल्के फुल्के मनोरंजक उत्पादन की उम्मीद थी। हालांकि मुंह का शब्द भयानक था। सप्ताहांत तक रुकने के बावजूद यह सोमवार को टूट गया। यह अनुमान लगाया गया था कि ये तीनों फिल्में मल्टीप्लेक्स में अधिकांश स्क्रीन पर कब्जा कर लेंगी। सिनेमाघरों को उनके खराब प्रदर्शन के कारण प्रदर्शन की मात्रा में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हॉलीवुड प्रोडक्शन नोप और अनुराग कश्यप की थ्रिलर दोबारा जैसी अन्य फिल्में भी भीड़ खींचने में नाकाम रहीं। नतीजतन कई थिएटरों ने कुछ स्क्रीन को बंद करने का विकल्प चुना है। कई के पास पहले से ही कम शो हैं। प्रदर्शनी उद्योग के एक सूत्र के अनुसार अधिकांश फिल्मों के खराब प्रदर्शन के कारण कई स्क्रीन का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दुर्भाग्य से बहुत सारे थिएटर अपने प्रदर्शन को बंद करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें सप्ताह के लिए पहले ही अपने विज्ञापन का पैसा मिल चुका है। नतीजतन उनके पास इस सप्ताह प्रत्येक स्क्रीन पर कम शो है। फिल्म प्रदर्शक और वितरक अक्षय राठी के अनुसार काले रंग में रहने के दो तरीके हैं। कुछ मल्टीप्लेक्स शुक्रवार 2 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए कुछ स्क्रीन बंद कर देंगे। पहला आय बढ़ाने के लिए है और दूसरा लागत में कटौती करना है। जबकि बॉक्स ऑफिस के परिणाम खराब हैं और अगली बड़ी बजट रिलीज सितंबर को ब्रह्मास्त्र है। नौ कई प्रदर्शक लागत में कटौती करके इन कठिन समय से निपटने के लिए रचनात्मक समाधान लेकर आ रहे हैं। इसमें सभी कार्यों को रोकना शामिल हो सकता है। भले ही वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, कम से कम परिचालन खर्चों में भारी कमी है। जबकि अन्य ने कटौती की शो की मात्रा जीरो ऑक्यूपेंसी वाले शो को चलाने की तुलना में कम प्रदर्शन करना बेहतर है जो आपको उस इवेंट के निर्माण की कीमत पर भी टूटने में सक्षम नहीं बनाता है। यहां तक जब अगली बड़े बजट की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को खुलती है और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन निराशाजनक होता है, तब भी कई प्रदर्शक खर्चों को कम करने और इन कठिन समय से बचने के लिए नए तरीके लेकर आ रहे हैं। इससे सभी गतिविधियों को रोकना पड़ सकता है। भले ही वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, परिचालन लागत कम से कम कुछ हद तक कम हो गई है। कुछ लोग शो की संख्या कम कर देते हैं। शून्य अधिभोग के साथ एक संगीत कार्यक्रम जो आपको उस घटना के मंचन की लागत पर भी तोड़ने की अनुमति नहीं देता है, कम प्रदर्शन चलाने के लिए बेहतर है।